एक बात बताए दोस्तों, अगर एक ही साथ आपको 10 प्रकार के अलग अलग डिश आपके सामने रख दिया जाए और आपको खाने के लिए दिया जाए तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं ना, वैसे ही एक ही महीने इतने सारे फिल्म और इन सारे फिल्मों के ट्रेलर एंड टीजर जबरदस्त है, ऐसे में कौन सी फिल्म देखें? ये समस्या है। कल वेंकटेश सर की न्यू फिल्म संधव का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक सत में कहूँ तो जबरदस्त। क्या ट्रेलर है यार, मजा आ गया देख के। ट्रेलर में एक्शन के साथ साथ इमोशन भी है। ट्रेलर के अंदर वेंकटेश सर के कैरेक्टर संधव का दो साइड दिखाया गया है, एक में वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा होता है तो दूसरे में लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है। साथ ये नेगेटिव साइड उस वक्त की हो सकती है जब उनके लाइफ में अपना कहने वाला कोई नहीं था, फिर श्रद्धा से मिलने के बाद वो बदल गए होंगे, मगर अपने बच्चे को बचाने के लिए फिर से खून की नदियां बहाने वाले हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन चाहिए वो विकास मलिक के पास है और वो इंजेक्शन के बदले अपना कंटेनर मांग रहा है जो सैंडप के पास है। पर उनके पास क्यों है और उनके पास में वो क्या करते थे, क्या वो एक पुलिस ऑफिसर थे या एक गुंडा, और ट्रेलर में संदीप के कैरेक्टर को क्यों साइको कहा गया है, इन सारे सवालों का जवाब तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर काफी अच्छी है पर एक्शन सीन तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। क्या माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन देखने को मिलती है यार, फुल गुजबम। आजकल हर फिल्म में स्टोरी कैसी भी हो मगर एक्शन सीक्वेंस लाजवाब देखने को मिलती है, पर इस फिल्म में स्टोरी भी अच्छी है और एक्शन सीन भी। जिस तरह भेंकी सर उन गुंडों को मारे होते हैं ना, देख के मजा ही आ जाता है। ट्रेलर में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो भी जबरदस्त हैं। ट्रेलर के अंदर एडिटिंग भी काफी अच्छे से की गई है। जब ट्रेलर की शुरुआत में वो छोटी सी बच्ची अपने पापा के बारे में बता रही होती है, तब जिस तरह संधव की दोनों साइड को दिखाया जाता है वो सीन मुझे बहुत अच्छी लगी। ट्रेलर में वेंकटेश सर ने क्या औसम परफॉर्मेंस दी है यार, देख के दिल खुश हो जाता है। और नवाजुद्दीन सर भी विलेन के रोल में काफी अच्छे लग रहे हैं, उन्हें ऐसी ही रोल सूट करती है। पर ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही स्टोरी को रिवील कर दिया है, ऊपर से डबिंग भी मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई। वैसे इस फिल्म को कुछ लोग बंगाली मूवी मानस की कॉपी भी कह रहे हैं, पर कॉपी है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मानस के ट्रेलर देख के मुझे भी ऐसा लग रहा था। वो सीन इस फिल्म की स्टोरी से मैच तो हो रहे थे पर कंफर्म नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ ट्रेलर है और एक ट्रेलर से किसी फिल्म को जज नहीं कर सकते। देखते हैं फिल्म आएगा तो वैसे भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।